बिल्कुल सही हो, इसको फांसी देने की क्या जरूरत है? उंगली में एक एक आदमी को देखो तो एक एक उंगली में चार चार उंगली। आज तक हम अंगूठा में किसी को अंगूठी पहनते नहीं देखे थे, आज तक अंगूठों में अंगूठी पहनता, दो दो अंगूठी। ओष्ठ पर लोग पेंट करता है, लगता है ओठ नहीं है, खिड़की केवाड़ी के चौकट है। तो यदि ज्ञान की महिमा है, चरित्र की महिमा है, तो कोई आभूषण की जरूरत उसको नहीं है। अपने ज्ञान के द्वारा, चरित्र के द्वारा महिमा मंडित होगा वो। सद्विद्या यदि किंग धनई ही, सद्विद्या आपके पास है तो धन कहां खोजते हो? जहां जाओ वहीं धन आपके लिए आगे पीछे पड़ा हुआ होगा। मैं कह रहा था ऐसे ऐसे नीति ग्रंथों को पढ़ो, रामचरितमानस को पढ़ो, स्वाध्याय करना चाहिए। रामचरितमानस करते हो, माता पिता का अनादर कर रहे हो, भाई भाई से विरोध कर रहे हो, रामचरितमानस कहीं हाथ में चला गया। जिस राम जी को चौराहे पर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कहकर घुड़दौड़ करते हो, वो राम जी की दिनचर्या को पढ़ोगे रामचरितमानस में, एक नई चेतना जगेगी। अरे राम हम क्या कर रहे हैं, राम जी ने क्या किया? प्रात काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबही माथा, आपकी दिनचर्या कल से बदलेगी रामचरितमानस पढ़ने से। हम एक दूसरे से विरोध करके जीते हैं, रामचरितमानस पढ़ लिया तो उसमें आएगी एक पंक्ति की, बैर न कर काहू सन कोई, कभी किसी से बैर मत करो, सबके साथ लगाओ, सद्भाव का जीवन जियो। अगर हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, पीपल पहाड़ पत्थर के सामने सिर झुकाने जाते हैं, तो एक बात खटकेगी आपको, बहनों को, मनु ने कहा कि घर में पति जीवित है तब पत्नी पीपल पहाड़ पत्थर को सिर झुकाने जाती है, तो अपना पति का आयु छीण करती है, अपना अकल्याण करती है। कल से दिनचर्या आपकी बदलेगी, थोड़ा विवेक करके पढ़ना चाहिए। देखो हर शास्त्र को विवेक पूर्वक पढ़ना चाहिए, विवेक करके छोड़ करके पढ़ोगे तो अलूल जलूल हो जाएगा। विवेक पूर्वक सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा रामचरितमानस को गहराई से पढ़ो तो भगवान यहां मिल जाएगा, भगवान से यहां वहां एकता हो जाएगी। बाबा ये लोग बहुत लंबा लंबा गीत गाता है आजकल कि प्रभु से एकता हो जाएगी, कब कहां और किससे किसकी एकता हो जाएगी। साधना का प्रतिफलन ईश्वर को पाना नहीं है, रामचरितमानस में आया। राम जी ने कहा सबरी से कि देख मम दर्शन फल परम अनुपम, भक्तिमती सबरी हमारे दर्शन के कुछ अनुपम फल हैं। सबरी ने सोचा कि झंझट बाकी है भी, कहा प्रभुवर अब हमको आगे नहीं बढ़ाओ, शरीर बहुत थक गया है, अब हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। का देखो सबरी, जब सही गुरु मिल जाता है ना, दौड़ धूप समाप्त हो जाता है। अधकचरे गुरु के फेर में हम बहुत दौड़ते हैं, और जब पूर्ण गुरु मिलता है, पूर्ण बोध हो जाता है, तो हम वहीं स्थिर हो जाते हैं। परमात्मा का अनुभव करने के लिए चलना नहीं पड़ता है, दौड़ना नहीं पड़ता है। इसलिए एक बात और सोचो, परमात्मा की अनुभूति करण सापेक्ष नहीं है। किसी भी करण के द्वारा हम परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं, परमात्मा अनुभव करण निरपेक्ष है। करण है मन, करण है बुद्धि, करण है इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। और जहां भी खोज होगी वहां इंद्री होगी, करण सापेक्ष हो जाएगा वो। आप लोग ही कहते हो मन बुद्धि बच के पार में, तत्र न बाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानी मन, उपनिषद में आया, वहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, मन नहीं पहुंच सकता, बुद्धि नहीं पहुंच सकती,
कबीरदेव ने कहा कि मन बुद्धि जहाँ पहुँचे हो रमैया राम तहमा खोज कस होई हो रम, कैसे खोज करोगे? जो अतीन्द्रिय वस्तु है, इंद्रियातीत वस्तु है, उसकी खोज कैसे होगी? तो राम जी ने कहा कि देखो सबरी, पूर्ण गुरु जब मिल जाते हैं तो आदमी की दौड़ धूप समाप्त हो जाती है, अब तुमको दौड़ना नहीं पड़ेगा। कहा का है? आपने कहा कि मेरे दर्शन का अनुपम फल है, तो आपका दर्शन तक साधना ही चल रही है क्या? कि जिसके बाद जो आता है उसके बीच साधन और साध्य का संबंध हुआ करता है, आपके दर्शन का भी फल है, तो जो फल होगा वो साध्य होगा, आपके दर्शन भी साधन होकर के रह जाएंगे। तब राम जी ने कहा कि जिसको तुम पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप है, दौड़ धूप खत्म। एक चौपाई रामचरितमानस की लीजिए, कहा जिसको पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप सहज प्राप्त है, और जिसको छोड़ना चाहते हो संसार तुमसे छुटा हुआ है, तुम में संसार नहीं है। छोड़ने का प्रयास मत करो, पाने का प्रयास मत करो, स्वयं का अनुभव करने का प्रयास करो। हमारी परंपरा में एक संत ने कहा है कि तजों को है तजन को भजो तो को है आम, तजन भजन से रहित है सो कबीर मतिमान। का जिसको पाना चाहते हो तुम्हारा स्वरूप है, और जिसको छोड़ना चाहते हो संसार छुटा हुआ है, तुम में संसार है ही नहीं। कितनी दो टूक सच्चाई बात कही राम जी ने कि सबरी मम दर्शन फल परम अनुपा, कहीं परमात्मा से एकता हो जाएगी, झंझट नहीं, ये झंझा बात नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा आ जीव पाव निज सहज स्वरूप। सच्चे गुरु मिल जाएंगे, तुम्हारा जो पारमार्थिक स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है, तुम्हारा जो परम रूप है, उसका अनुभव हो जाएगा। रामचरितमानस कीजिए, दौड़ना धुपना बंद हो जाएगा, सारे व्यवहार को सुलझा देगी रामायण। साध्य साधन का सही बोध करा देगी रामायण, लेकिन विवेक से पढ़ना, उल्टा सीधा कहीं पढ़ लिए, यहीं पढ़ करके अटक गए, एक जगह पढ़ लिए कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, हैं, आ जब जही रघुपति करही जस सो तस तेहि क्षण हो। यहाँ कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है कोई मूढ़ नहीं है। कहा तब जब जही रघुपति करही जस, रघुपति जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है, तो इसमें हमारा आपका क्या दोष है? एक आदमी शराब पीता है, कहा काहे पीते हो? कहा कि उनकी मर्जी है, हम पीते हैं, वो जिधर प्रेरित करते हैं वही हम करते हैं। जीवन उलझ जाएगा इसमें। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूर्ख न कोई, जब जही रघुपति कर रही जस हो तस ते ही क्षण हो। आपको छुट्टी मिल गई। एक आदमी कहा कि आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं है। कहा क्या परमात्मा को नहीं मानते हैं? कहा परमात्मा ने हमको कहा है कि ऐसा ही कहो, तब हम कह रहे हैं। परमात्मा ही नहीं हमको कहा है कि ऐसा मत करो, आत्मा से अलग परमात्मा हम कुछ नहीं है, वो जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं। यही अधकचरा ज्ञान को पढ़ करके लटक जाओगे। प्रावलंबन भरी जो पंक्ति है कि होई है सब है? होई है सोई जो राम रुचि राखा। अब बैठे रहो हाथ पर हाथ, राम को जो रुचेगा सो हो जाएगा, राम को रुचेगा तो पापाचार छूट जाएगा, नशा दुर्व्यसन छूट जाएगा, विषय भोग से उपरामता हो जाएगी। तो बैठे रहो, होई है सोई जो राम रुचि राखा। तुलसीदास जी कभी कभी सुलझी बात भी कहते हैं, दूसरी जगह तुरंत कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करे सो तस फल चाखा। वही फणिभूषण जी महाराज वाला प्रश्न आया कि वह सत्य की यह सत्य होई है सोई जो राम रुचि राखा, ये सही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, ये सत्य है? बड़ा भ्रमात्मक है। विवेक पूर्वक पढ़ो।
एक आदमी एक चुपाई कहा रामचरित मानस की कि बिनु सत्संग विवेक न होइ, प्रत्येक समय भले प्रसंग पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा विचार करो कि जीवन क्या है, लेकिन आधी दूर में ही हम विराम ले रहे हैं। अब एक चौपाई आई, अब विवाद को बहुत सामने रखना अच्छा नहीं। मैंने केवल ये कहा कि स्वाध्याय संत साहित्य का अध्ययन करते रहो, विवेक पूर्वक करना, लिखे सो सांत चमके सो सोना, ऐसा नहीं मत करना। सब पर विवेक की कसौटी लगाना, चूंकि हमारे ऋषि ने कहा है कि श्रोतव्य सुनना चाहिए, होश में आ जाइए सब लोग, श्रोतव्य सुनना चाहिए। कहा किसको? कहा वेदों को, कुरान को, पुराण को, बाइबल को, धर्मशास्त्र को, दर्शन शास्त्र को, सबको पढ़ो। इन सुनने पढ़ने के बाद मंतव्य एकांत बैठ करके मनन किया जाना चाहिए। अब मनन करने में जो सच्चाई दिखे उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्य मंतव्यश्चो पदवी मत्वा तु सततं ध्येयः एते दर्शन हेतवः। हेतु हेतु हेतवः, हेतु के बहुवचन में हमारे ऋषि ने कहा कि कल्याण के कुछ हेतु हैं। कहा क्या? कहा सुनना चाहिए। सुनने और पढ़ने के बाद श्रुत और पठित ज्ञान पर एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अब मंथन करने के बाद जो उचित मालूम पड़े उसको व्यवहार में रूपांतरित कर देना चाहिए। एते दर्शन हेतवः, यही ज्ञान के हेतु हैं। विवेक पूर्वक पढ़े तो सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान फैथ इन गॉड। आत्मविश्वास तो करो, विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी ने कहा कि खुदा पर ईमान लाओ, कुरान पर ईमान लाओ, वेदों पर ईमान लाओ, मैं कहता हूं कि अपने आप पर ईमान लाओ। अगर अपने आप पर ईमान नहीं लाए हो तो खुदा पर तुम ईमान ला रहे हो, तुम्हारे ईमान की क्या प्रामाणिकता है? तुम्हारा तुम ही अगर संदेह में हो तो तुम्हारा ईमान भी संदेह में खड़ा हो जाएगा। अपने आप पर संदेह नहीं हो, मैं हूं ये अस्तित्व का निश्चित निश्चयात्मक बोध होना चाहिए। अहम अस्मि, मैं हूं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान आत्मा में अटूट विश्वास, ये याम और नियम हमारे व्यवहारिक पक्ष को, पारमार्थिक पक्ष को, व्यष्टि जीवन को, समष्टि जीवन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी यात्रा और करनी होगी, समय और स्वास्थ्य अनुकूल रहा। हम समझे कि आप लोग भाग खड़े हुए, बड़ी निराशा हो गई हमको कि सही प्रज्ञावान संत गुरुजन आए हुए हैं, इनके अनमोल विचार सुनने को हैं। और पता था कि हमारे प्रताप बाबू जो प्रत्येक वर्ष मुंगेर से आते हैं, अब वही ले आते हैं इस विभूति को। हम क्या जाने कि फणिभूषण जी महाराज कहाँ रहते हैं, भले इनको अफ्रीका जानता हो, मॉरिशस जानता हो, हम नहीं जानते। तो फणिभूषण जी महाराज को जनाने वाले, इनसे संपर्क करा देने वाले राम प्रताप बाबू हैं, प्रताप बाबू हैं, मुंगेर से आते हैं। तो हमको पता था कि प्रताप बाबू आए और उनके साथ फणिभूषण जी महाराज निश्चित रूप से आ रहे होंगे, आ रहे हैं। प्रकृति का थोड़ा नियम विरुद्ध हो गया हम लोगों के साथ, हम क्यों वो आएंगे तो उनका गायन का क्या होगा? ये प्रज्ञावान संत गुरुजनों के प्रातिभिज्ञान संपन्न ज्ञान का क्या होगा? पूरी बात तो सुन नहीं पाए हैं हम लोग अभी, अभी व्यवहारे को लोग सीधा सफल सुथरा करने में लगे हुए थे।
अब भोजन के अंत में क्या होता है जानते हो नहीं? दही चीनी, सब लोग दही चीनी बचा करके रखे हुए हैं, अंतिम समय में देंगे। मारवाड़ियों के यहाँ दाल चावल साग सब्जी सब बन जाती है, खा करके जब आदमी उठने लगता है तो पापड़ देता है कि चरफरा मन बना रहे। हम कहा प्रज्ञावान संत गुरुजन हैं, इनके अनुभव पूर्ण ज्ञान का क्या होगा, यही प्रकृति साथ नहीं दी तो। फणिभूषण जी महाराज आ जाएंगे, उनके गायन का क्या होगा। तो प्रकृति ने हमारी बात मान करके साफ सुथरा कर दिया, सो बात नहीं है। प्रकृति के जड़ता है, उसमें हो जाएगा, हो जाएगा, हमारे कहने से नहीं जाएगा। ऐसे गुरु महाराज लोग कहते हैं, गुरु महाराज तो चमत्कार के तवा पर रोटी सेकने वाले हो गए हैं ना आजकल। गुरु महाराज मंच पर बैठे हुए हैं, एक बादल का टुकड़ा सामने आया तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे उंगली का इशारा किया, बादल दक्षिण से उत्तर चला गया। वो मंच तो ये नहीं है, बादल को हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, उसको हम टाल नहीं सकते हैं। प्रकृति प्रतिकूल थी, अनुकूल हो गई है, उस अनुकूलता का लाभ हम लोग लें। आज से कल तक बड़ा धैर्य दिखाया आप लोगों ने, हम समझे कि आप लोग चल दिए, अब नहीं लौटेंगे। घास भीग गई थी, कपड़ा से बूंद बूंद पानी गिर रहा था, इन आप लोग बड़े धैर्यवान हैं, बड़े सहनशील हैं, अतितिक्षु हैं, आप में धीरता है, गंभीरता है, निश्चलता है। ये धीरता गंभीरता निश्चलता आप में रही, आपका कल्याण आपके जीवन में घटित तो होगा। दुनिया की कोई शक्ति उसमें अवरोध पैदा नहीं कर सकती है, सभी लोग कल्याण लाभ करेंगे धीरता गंभीरता के साथ। बस इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र में अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। संगीत भूषण जी महाराज भाजन करता है, देखिए जीवन ज्योति केंद्र संत कभी मेरा सुनियो तो सारे प्रभु भक्तों की व्यवस्था भोजन तत्पर करता है। 10 बजे से भोजन का काम शुरू हुआ है, बारी बारी से सब लोग भोजन ले रहे हैं और भोजन लेते रहे क्या करें, फिर घोषणा में करेंगे। एकदम भोजन भजन में आपकी यात्रा हो जाए, जीवन का एक एक क्षण व्यर्थ नहीं जाए। भूख लगेगी, भूख के निवारण के लिए पंडाल में जाकर के लोगों का नहीं बना है भोजन कर लेंगे। 9 बजे तक भजन और प्रकारांतर से प्रबंधन के कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी आप लोग गुरु का ध्यान लगाया करो, बड़ा अच्छा लगा है। अभी भूषण जी महाराज जी जहाँ शास्त्रीय स्वर में गाए हो सकता है बहुत लोगों के पास समझ में नहीं आई होगी। दूसरा भजन थोड़ा साफ था, शरीर की चुंगली पर तार मत लगाओ, इसलिए तुमको जगाने वाले संत आ गए हैं। ऐसे ऐसे मार्मिक भजन की शक्ति करेंगे, उसके बाद भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, उनके गायनों से आप लोग लाभ लें, मन को स्थिर बनाए रखें। हम लोग जगह छोड़ेंगे तो ये गायक को ला करके जगह पकड़ेंगे और आज का जो भंडारा है बचपन का बड़ा प्यारा दुलारा हमारा टाटा मोटर राजकुमार चौधरी
इससे आप ध्यान दीजिए, तो उनके पास लोग गए, वो कहते हैं बाबा क्या जाने जिसका रंगा कितना आदमी हो गया है, लपटते लपटते थे हम बोल में खेलते थे, बाबा को पता नहीं होगा कि रंगा कितना बड़ा आदमी हो गया है, और अपने बचपन का परिचय किया आप लोगों के सामने, आज का भोजन का प्रबंध राजकुमार चौधरी टाटा मोटर्स उन्हीं की ओर से आज का भोजन, रोज आप लोग भोजन ले रहे हैं, कल लिए आज लेंगे कल, वो भी किसी के द्वारा ही, आश्रम में कुछ है नहीं, ऊपर के लिए पांच फुट जमीन नहीं है, आप लोगों के सहयोग से ही सब चलता रहता है, ये सब सम्मिलित होकर करता है, ये आज का ही प्रबंध है, अकेले राजकुमार चौधरी संसद के द्वारा है, वो भोजन लें और भोजन को सुनते रहे, अभी तो बहुत कुछ सुनने के बाकी है, नशा विरोधी भजन हमारे जीवन के जो कलंक है, हमारे जीवन की संपूर्ण बर्बादी का जो प्रमुख द्वार है वो नशा विरोधी भजन इस मंच से आप लोग सुनेंगे, मातृ पितृ विमुखता का जो जीवन हमारा है उस पर भजन आप सुनेंगे, भाई भाई के बीच विरोध करते हैं इसका भजन सुनेंगे, इस देश में जन्म लिए हैं, खाए हैं, खेले हैं, पढ़े हैं, जुड़े हैं, देश की अखंडता, देश की स्वाधीनता, देश की बाह्य जनता शक्ति को अक्षुण